जैसा कि आपको पता है बच्चों कि नीट का राउंड 3 का भी रिजल्ट आ चुका है, आप जाके देख सकते हो mcc.nic.in पे। बट मैं आपको बहुत चौंकाने वाला एक डाटा देने वाला हूं, जिसको देख के आपको सच में लगेगा कि एनालिसिस क्या होती है। मैं आपको दिखाता हूं, आप समझिए, पूरे वीडियो को देखिएगा तो समझ में आएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जब आप देखोगे, चेक करोगे यहां पे, तो ये बहुत 600-800 पन्ने का डाटा है, ठीक है। इसको हमने एनालाइज करके आपके लिए निकाल दिया है, ठीक है, कि जो कंक्लूजन की अगर हम बात कर लें पहले कट ऑफ की कितनी है, तो देखिए राउंड 3 में जो कट ऑफ रही है, ठीक है। अब देखिए एक चीज मैं आपको देता हूं, क्योंकि क्या हुई है कि सीट बहुत ज्यादा ब्लॉटिंग हुई है, मतलब यूपीएमपी के बच्चे जो एडमिशन ले चुके हैं उन्होंने भी फिर से यहां पे अप्लाई किया है। उनको लगा अगर कॉलेज अच्छा मिल जाता तो देख लेते हैं, क्योंकि कोई फाउंडेशन थी नहीं, बस 10,000 रुपए खर्च होने और ज्यादा से ज्यादा क्या ही होने हैं। इसका मैं एग्जांपल आपको डाटा के सहित दिखाऊंगा अभी। तो अगर राउंड 3 के कट ऑफ की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस में आपका 24,659 रैंक है, ठीक है ना। अगर ओबीसी में हम बात करेंगे तो 22,784, जनरल की बात करेंगे तो 22,663, एससी की बात करेंगे तो 99,995, ठीक है, और एसटी की बात करेंगे तो 98,000, जो कि बहुत हाई कट ऑफ है, ऑलमोस्ट 1,00,000 के ऊपर जानी चाहिए थी बट इतनी नहीं गई है। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ अनएक्सपेक्टेडली अच्छा गया बच्चों के लिए, देख सकते हैं, ठीक है। बट जनरल का भी ऑलमोस्ट इसी के करीब होना चाहिए था, 24,000-23,000 के करीब, बट क्यों नहीं हुआ वो मैं आपको समझाने वाला हूं अब। तो देखिए ये वो बच्चे हैं, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको वो दिखाता हूं डाटा, ठीक है ना। राउंड 3 में टोटल जो बच्चों को अलॉटमेंट हुई है, ठीक है, वो टोटल बच्चों को हर कैटेगरी का मिला के 4,592 बच्चों को अलॉटमेंट राउंड 3 में हुई है एमबीबीएस कोटा के अंदर, ओपन सीट मतलब एम्स और सेंट्रल इंस्टीट्यूट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इन 4,592 में, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, 4,592 में, ठीक है, जिनको फ्रेश अलॉटमेंट हुई है, ध्यान सुनिएगा, ठीक है ना, फ्रेश अलॉटमेंट हुई है वो बच्चे हैं 2,640 बच्चे, ठीक है। तो अगर 4,500 बच्चों में से अगर मैं देखूं 2,640 बच्चों को फ्रेश अलॉटमेंट हुई है, मतलब बाकी के बच्चे पहले से लिए थे उनका अपग्रेड हुआ है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 2,000 के करीब बच्चों का अपग्रेड हुआ है, ठीक है। बट 2,600 बच्चों का फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है, मतलब उनके दो रीजन होंगे, या तो उन्होंने डायरेक्टली थर्ड राउंड में पार्ट लिया है ये 2,600 बच्चे, या तो ये हो सकता है ये 2,600 जो बच्चे हैं इन्होंने कॉलेज राउंड 2 या राउंड 1 में उठाया होगा और छोड़ दिया होगा, ठीक है। तो अगर हम इस बात का पता करते हैं कि 2,600 बच्चों में से कितने बच्चे थे जो राउंड 2 में रिपोर्ट नहीं करे थे, ठीक है ना, राउंड 2 में उन्होंने मतलब उनको कॉलेज मिल गया था बट उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया था, बट उनको फिर से थर्ड राउंड में फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है, अब ये कौन से बच्चे होंगे, ध्यान से सुनना, ठीक है। राउंड 2 में जिनको कॉलेज मिल गया और रिपोर्ट नहीं करे हैं और थर्ड राउंड में फिर से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर उनको थर्ड राउंड में जिनको भी सेकेंड राउंड में कॉलेज मिला था, 98% बच्चों ने जिनको एडमिशन लेना है IIQ के थ्रू क्या किया, एडमिशन लेके अपग्रेड में डाल दिया कि आपकी सीट तो कंफर्म हो जाएगी, बट ये 900 बच्चों ने क्या किया है कि सीट लिया ही नहीं है। इसके दो रीजन हो सकते हैं, पहला एक तो मान लो उनको लगा होगा कि कॉलेज उनका अच्छा नहीं है, उस वजह से वो बहुत कम बच्चे हैं, ठीक है ना, इसमें 100 बच्चे होंगे ऑलमोस्ट वैसे जिनको लगा होगा राउंड 2 में उनको कॉलेज अच्छा नहीं मिला, डायरेक्ट राउंड 3 में पार्टिसिपेट करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, कुछ बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, जिन्होंने राउंड 2 का जब रिजल्ट देखा तो उससे बेटर उनको स्टेट में मिल गया तो उन्होंने सीट लिया ही नहीं, राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया था, उनको कॉलेज मिल रहा था अच्छा, क्योंकि रैंक उनका 20,000, 18,000, 16,000, 17,000 यही था, तो उनको कॉलेज मिल रहा था, उन्होंने लिया ही नहीं, ठीक है, छोड़ा कि छोड़ो जाने दो, 10,000 का नुकसान किया, ठीक है, और फिर से राउंड 3 में पार्ट लिया ताकि अगर कोई अच्छा कॉलेज मिल गया तो हम स्टेट वाली छोड़ देंगे, क्योंकि स्टेट का भी रेजिग्नेशन का डेट है ये सबके पास, मोस्टली यूपी एमपी के। तो इस वजह से ये 800 बच्चे जो हैं, ऑलमोस्ट 800 सीटों की ब्लॉटिंग हो रही है, जो ऑलमोस्ट मैं आपको बताता हूं कट ऑफ पे फिर अफेक्ट अगर करेगी तो आने वाले कट ऑफ मतलब हजार का डाउनग्रेड तो जाने का ऑलमोस्ट चांस हम मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ओपन में ऑलमोस्ट 300-350 सीटें ऑलमोस्ट खाली है, ठीक है। अब इसके नीचे थर्ड राउंड के अलग अलग स्टेट्स के चल रहे हैं, मॉपअप में भी ले लेंगे स्टेट्स में बच्चे, तो और बच्चे जो उसमें जा ही नहीं पाएंगे पार्टिसिपेट, अब वही बच्चे करेंगे पार्टिसिपेट जो थर्ड राउंड में किए थे, ठीक है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी है बट चॉइस फिलिंग तो वही है सेम। तो ये है आपके सामने डाटा 22,663, मुझे लगता है कि अभी स्ट्रे में ये 24,000, 24,500 या 25 के करीब जाएगा, 1,500 तो ऑलमोस्ट जाने की संभावना है, ठीक है। ये कंप्लीट एनालिसिस अगर आपको पसंद आया तो नीट शास्त्र को सब्सक्राइब करिए, और मैं आपको ये बता रहा हूं कि 800 बच्चों ने ब्लॉटिंग करी है, टोटल 4,592 बच्चों में से
800 बच्चों ने जिन्होंने कहीं स्टेट में सीट ले रखी है वो फिर से यहाँ पे सीट ले के मतलब ब्लॉट कर दिए हैं। अब उन्होंने अप्लाई तो कर दिया, अलॉट तो हो ही गया, अब रिपोर्ट नहीं करेंगे तो नहीं जाएंगे, ठीक है। और 2640 ऐसे बच्चे थे, 2640 जिनको फ्रेश अलॉटमेंट थर्ड राउंड में हुआ है, उनका अपग्रेडेशन नहीं हुआ, 2000 बच्चों का ऑलमोस्ट अपग्रेडेशन हुआ है। तो कैसा लगा ये डाटा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, ऑल द बेस्ट।